चले ना शेरू बैठे बागा चले चले फल खाए सीतरु तोरे नागा फल खाए सीतरु कछु मारे सुई कछु जाए पुकारे कछु मारे सुई कछु पुकारे कछु मारे सुई कछु जाए कमर दी मर दी
चर कभी संहार। Come on.
भाववाटिका में श्री हनुमान जी। आज सत्र का अंतिम दिवस, प्रभात की ये सुंदर वेला, आप सभी का भव्य स्वागत है। चौपाइयों के आश्रय में प्रसंग को आगे बढ़ाया है। भगवती जानकी श्री रघुनाथ की मुद्री को मनोभावना से चिंतन करती अपने अंतरंग समय में अभिराजित हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, जानकी जी ने और श्री हनुमान जी के मध्य, श्री राम और जानकी के मध्य का सबसे अंतरंग प्रसंग जयंत की चर्चा हुई। यही स्वामिनी के परम आश्रय का प्रताप है, सच्ची बात है। वृंदावनी साधु श्री कृष्ण के आश्रय पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि श्री स्वामिनी के ही आनुगत्य में उसकी आशा है। निजी रहस्य का उद्घाटन केवल श्री किशोरी कर सकती है। अपने संपूर्ण रंग में श्री जानकी जी ने हनुमान जी को रंग दिया। कल एक सूत्र कहा था, आते समय श्री हनुमान जी राम के दास बनकर आए हैं, पर लंका से लौटते समय जानकी की दासी बनकर लौटे हैं। यही श्री हनुमत और जानकी मिलन का परम स्वरूप है। और दूसरी दृष्टि से श्री जानकी जी को यह भी मालूम है आगे क्या लीला होनी है। संपूर्ण लंका में आग लगेगी, तो एक प्रकार से सिंदूर लेपन करके श्री हनुमान जी के श्री अंग का लेपन कर दिया, जिससे अग्नि का प्रभाव उनके अंग पर न हो। एक माता की यही दृष्टि है। लंका जलाने वाला हनुमान स्वयं न जले, उसके लिए सिंदूर लेपन की भूमिका बना दी, आलेप कर दिया। आज की भाषा में कहूं तो फायर प्रूफ कर दिया। हमारे यहां रज लेपन की यही भूमिका है। मस्तक पर लगा हुआ श्री वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की रज विषयाग्नि से ही बचाती है। गौरहरि उसी के लिए संकेत करते हैं शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में, दावाग्नि निर्वापणम। श्लोक पूरा कह देता हूं, चेतो दर्पण मार्जनो भव महा दावा दावाग्नि निर्वापणम कैसे होगा? विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तनी रजांग्रि पद्म, महज्जनों के चरणारविंद की रज ही वो आलेप है जो विषयाग्नि से निवृत्त कर सकती है। श्री हनुमान जी जानकी जी को मुद्रिका प्रदान करते हैं। सदगुरु की भूमिका इतनी सी ही है,
भक्त और भक्ति का मिलन हो, भक्ति और भगवान का मिलन हो, यही उसका परम स्वरूप है। कोई भगवान से भी पहले मिल जाए तो भगवान का निज धर्म उसे भक्ति के पास भेज देता है, और कोई भक्ति से मिल जाए तो उसे भगवान के पास भेज देता है। हनुमान जी ने विचार किया, जहां से आज की चौपाई उठाना मैंने शुरू किया, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। राम जी के भाव को हृदय में विराजमान करके फल खाए हैं। हमारे जीवन में हम कर्म करते समय भगवान का स्मरण करें, यह भी बड़ी ऊंची बात है। फल मांगते समय तो भगवान की स्मृति हो जाती है, पर अपने जीवन के सदकृत्यों के फल भोगते समय क्या भगवान की स्मृति हो पाती है? आज ऋषि धूप से परेशान है, पर कोई बात नहीं, आपको जैसी सुविधा आराम से बैठ, हमको व्यवधान नहीं। तो फल प्राप्त हो जाए उसके बाद भगवत स्मृति कहां बचती है? जब तक वस्तु मिलती नहीं है तब तक तो व्यक्ति नियमित मंदिर पहुंचता है, जब तक फल की प्राप्ति न हो तब तक तो उपासना बड़ी सहज हो जाती है, पर जब फल प्राप्त हो जाए, हनुमान जी ने लंका केवल फल भोगे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही इस भौतिक जगत में कोई साधु का जन्म भी एकमात्र उसके पूर्व संस्कार जनित फल भोगने के लिए ही होता है, तत्व की दृष्टि है। पर बात बड़ी गंभीर है, हम फल के अपने फल से मेरा मतलब फ्रूट्स तो ऊपर की बात है, फल का मेरा अर्थ है कर्म का फल, जो कर्म से प्राप्त होने वाला फल है। हनुमान जी उन्हें भी भोगते समय रघुनाथ का सतत स्मरण कर रहे हैं। चले ओ नाई सिरु पैठ्यू बागा, सिर झुका के श्री हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ आगे बढ़े। फल खाए सी तरु तोरऊ लागा, फल तोड़ तोड़ के उन फलों का परम आस्वादन करने लगे, खूब आनंद हुआ। इस प्रकार की हटखेलियां श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में करते, कभी वृक्ष हिलाने लगते, कभी उल्टे लटक जाते, इस प्रकार की क्रीडा करते कि हनुमान जी की इन बाल्यिक क्रीडाओं को देख करके श्री जानकी जी ठाके मार कर हंसती। महाराज, भक्त का लक्ष्य भक्ति को प्रसन्न करना ही होता है। दो प्रकार की भक्ति होती है, अभी लंका में भक्ति बैठी थी, पर इससे पहले रुदनशीला थी, हनुमान जी के आते ही प्रसन्न चित्ता हो गई। भक्ति भी ये दो स्वरूप की है। बहुत सारे लोगों में भक्ति है तो सही, पर वो बड़ी उदासीनता से भरी है महाराज, न उसमें नृत्य है न उसमें गान है, बस उसकी एक कल्पना मात्र है
क्योंकि वो कामना से भरी हुई है। लंका में बैठी जानकी क्या है, काम के प्रदेश में बैठी भक्ति अर्थात कामना पूर्ण भक्ति। जहां कामना पूर्ण भक्ति होती है ना, वहां भक्ति रस नहीं देती बल्कि भक्ति के आश्रय से जो वस्तु प्राप्त होती है उसका रस होता है। हमें जो चाहिए जब वो मिलेगा तब हम प्रसन्न होंगे। क्रिया में सुख नहीं है, लक्ष्य में सुख है। पर अहि तो क्या प्रतिहता ययात्मा सुख प्रसीदति। भागवत जी का सूत्र कहता है अकारण निष्काम भक्ति का स्वरूप क्या है, जहां उसके लक्ष्य में भी सुख नहीं है। सच बात कहूं तो स्वतंत्र और मुक्त भक्त के लिए तो कई बार भगवान भी व्यवधान हो जाते हैं। बोले ठाकुर जी आप भी क्यों आए, हम आपका इतना आनंद कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, सज रहे थे, सजा रहे थे, खा रहे थे, खिला रहे थे, आप प्राप्त भी क्यों हुए, आपका आना व्यवधान है। कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य से कथा सुने तो कथा सुनना रस नहीं है, वो लक्ष्य रस है। इसको सुनकर अगर उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो वाह 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 बहुत बढ़िया चंगी कथा हुई। पर अगर कोई व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के बैठा हो तो व्यास गादी से निश्रित प्रत्येक शब्द उसके लिए उत्सव हो जाएगा। इतना सही अर्थ है कहने का। अकारण जब कोई ध्यान से सुनिएगा एक सूत्र, जब कोई भक्ति को भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है तो वो भक्ति भी रुदनशीला होती है, पर जब कोई भक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो वो भी नृत्यशीला हो जाती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, भागवत का श्लोक है। अब मैं क्या करूं, रामायण कह रहा हूं पर मेरा मुख्य विषय भागवत जी है, और रामायण पर भी इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि भागवत जी बोल पाता हूं। भागवत ऐसा सर्वोत्तम ग्रंथ है जिसका भागवत में प्रवेश है, उसका वेद में प्रवेश है, वेदांत में प्रवेश है, उपनिषद में प्रवेश है, पुराण में प्रवेश है, रामायण में प्रवेश है। नृत्यशील भक्ति में भी रोना कोई सहज नहीं है महाराज। कभी अगर सत्संग और कीर्तन में आंखें भीग भी जाएं तो इस बात का जरा जरूर चिंतन कर लेना चाहिए। जगत के दुख के ये आंसू बह रहे हैं कि कृष्ण के विरह के आंसू बह रहे हैं। संसार की शुष्कता तो रुलाने के लिए सहज ही है, भगवत विरह का अश्रु अलग होता है, उससे पवित्र गंगा का जल नहीं है महाराज। जब श्रीमन महाप्रभु के अश्रु बिंदुओं की निपतन नवद्वीप में होता है ना महाराज, तो गंगा में भी तरंगे आने लगती है महाराज। वो अलग स्थिति है। अभी तक रावण के द्वारा भगवती का अपहरण भक्ति का वही प्रयत्न है जो लौकिक वस्तुओं को सिद्ध करने की बात है। गीता में भगवान ने कहा चतुर्विद भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुना आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मैं कई बार बोला हूं सुंदर कांड का आधार भगवत गीता है महाराज। गीता के आधार पर सुंदर कांड की चर्चा होती है महाराज। ये कर्म का विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है।